जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ ही महीनों पहले जब मैंने अपनी Hyundai Venue परचेज करी थी तो इस पे एक वीडियो बनाई थी कि Apple CarPlay इस पे कैसे काम करता है एंड दैट यू कैन कनेक्ट इट वायरलेसली एज वेल। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको Android Auto के बारे में कि उसको आप वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, इन द वेन्यू एस प्लस प्री फेस लिफ्टेड वर्जन, जो कि फेस लिफ्ट से पहले मॉडल आता था, जो कि फर्स्ट मॉडल जो कि 2019 में लॉन्च करा गया था भारतीय मार्केट में, उस वाले वर्जन में आप जो है एस प्लस वेरिएंट में इसको वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड थ्रू वायर भी कनेक्ट कर सकते हैं इफ यू वांट टू आल्सो चार्ज योर एंड्रॉयड फोन। एंड पहले मेरे पास एंड्रॉयड फोन नहीं था तो अब मैं इसको इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा लेट रिलीज कर रहा हूँ, बिकॉज नाउ आई हैव एन एंड्रॉयड फोन टू शो यू गाइज हाउ एवरीथिंग वर्क्स एंड उसका इंटरफेस कैसा रहता है एंड आपको क्या क्या देखने को मिलता है इन एंड्रॉयड ऑटो। तो चलिए अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करके आपको इसकी टच स्क्रीन में दिखाता हूँ, जो कि इसकी 8 इंच की टच स्क्रीन आती है विद एप्पल का अपने एंड्रॉयड ऑटो। इसमें आपको नेविगेशन नहीं देखने को मिलती बट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है एंड यूएसबी कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस वीडियो। सो गाइज, अभी मैंने ऑन कर ली अपनी कार की टच स्क्रीन और आप देख सकते हैं इसका जो इंटरफेस रहता है प्री फेस लिफ्टेड वर्जन में वो कुछ ऐसा रहता है एंड ड्राइवर रेयर व्यू मॉनिटर भी इसमें आपको देखने को मिलता है, वेयर एज नाउ इन द फेस लिफ्टेड वर्जन यू डोंट गेट ड्राइवर रेयर व्यू मॉनिटर एट ऑल। आई डोंट नो व्हाई दे हैव रिमूव्ड दिस फीचर बट एनीवेज, मूविंग ऑन टू द पॉइंट ऑफ टुडेज वीडियो जो कि रहता है एंड्रॉयड ऑटो के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक विजेट सा है, प्रेस दिस विजेट टू कनेक्ट एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले। अब क्या है, मैंने अपने फोन को टोटली से डिलीट कर दिया है, डिसकनेक्ट कर दिया, ताकि आपको मैं नए सिरे से बता सकूं कि आप कैसे अपने एंड्रॉयड फोन को कनेक्ट कर सकते हैं इन द प्री फेसलिफ्ट वर्जन। हालांकि फेसलिफ्ट वर्जन में थोड़ा बहुत सिस्टम अलग हो सकता है, मे बी यू वॉन्ट गेट वायरलेस कनेक्टिविटी अगर आप चाहें, बट इन दिस वेरिएंट जो कि मेरे पास है एस प्लस वेरिएंट 2022 मॉडल ईयर बट द प्री फेसलिफ्टेड वर्जन, तो इसमें आप कर सकते हैं। तो अभी मैं इधर अगर करूँगा तो आई वुड टैप हेयर ऑन एड न्यू। अब देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि डिवाइस नेम जो है मुझे वेन्यू शो होने वाला है। तो अभी मैं जाता हूँ अपने एंड्रॉयड फ़ोन में एंड इसकी मुझे सेटिंग्स ओपन करनी पड़ेंगी। तो सेटिंग्स में मैं सर्च करूँगा एंड्रॉयड ऑटो, तो एंड्रॉयड ऑटो पे क्लिक करने के बाद मुझे जाना है यहाँ पर एंड कनेक्ट कार पे। तो इनके पास यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है कि टू गेट स्टार्टेड प्लग योर फोन इनटू दिस व्हीकल्स एंड्रॉयड ऑटो कंपैटिबल यूएसबी पोर्ट। तो मैं कनेक्ट यूएसबी केबल टू स्टार्ट भी कर सकता हूँ एंड कनेक्ट यूजिंग वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एज वेल, जो कि अवेलेबल ऑन सम 2021 मॉडल व्हीकल्स, बट मेरी तो 2022 मॉडल ईयर है। सो आई नीड टू टर्न ऑन ब्लूटूथ एंड जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ब्लूटूथ ऑन हुआ है, कनेक्ट यूजिंग ब्लूटूथ पे क्लिक करूँगा मैं एंड पेयर अ कार एंड हियर इज वेन्यू। तो वेन्यू पे क्लिक करा एंड आई वुड टैप हियर पेयर, जो कि कोड शो हो रहा था मुझे एंड नाउ इट इज पेयर्ड वाया ब्लूटूथ एंड यहाँ पर भी शो हो रहा है कनेक्टिंग। तो अब हो चुका है ये कनेक्ट एंड ऑल आई नीड टू डू इज गो टू होम एंड यहाँ पर उसका सारा इंटरफेस आ गया कि जो सॉन्ग प्ले हो रहा था, एंड्रॉयड ऑटो यहाँ पर है, मैप यहाँ पर है कुछ अगर मैं मैप एक्सेस करना चाहूँ। सो आई टैप ऑन द मैप हियर, सो अभी वो कह रहे हैं बिकॉज दिस फोन ऑफ माइंड डजंट हैव ए इंटरनेट कनेक्शन करेंटली, तो उसमें अभी आपको शो भी नहीं होने वाला है। सो अभी हम चलते हैं बैक टू द होम स्क्रीन। तो ये कुछ इसका इंटरफेस रहता है एंड्रॉयड ऑटो का। यहाँ पर आपको फ़ोन की बैटरी परसेंटेज एंड सिग्नल वगैरह, फ़ोन के जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो सब शो होने लग जाती है एंड यहाँ पर आपको मैप्स, स्पॉटिफाई बिकॉज आई हैव स्पॉटिफाई ऐप इन दिस फोन एंड न्यूज़ जो है वो शो हो जाता है एंड फ़ोन लॉक जो वो है, Hyundai का आपको ऐप देखने को मिल जाता है, कैलेंडर देखने को मिल जाता है, गेम स्नैक एंड मैसेजेस वगैरह। बाकी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है इस मेरी व्हीकल में, तो इसमें आपको यहाँ पर इसका जो वॉइस कमांड वाले फीचर हैं, मोड्स हैं, वॉल्यूम अप डाउन म्यूट एंड ऊपर नीचे सिलेक्ट सॉन्ग्स करने के लिए, कॉल को एक्सेप्ट एंड डिसकनेक्ट करने के लिए भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस तरफ आपको कुछ नहीं देखने को मिलता इसका, बिकॉज MID जो है नॉर्मल वाला ही रहता है। सॉरी फॉर द सनलाइट जो कि आ रही है, बट लेट मी ट्राई टू शो यू गाइस। तो इसका जो MID वो कुछ ऐसा रहता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एंड आप इन नॉब्स से ही जो है कंट्रोल कर पाएंगे इसके MID वगैरह को। तो यहाँ पर आपको स्टेयरिंग पे इस तरफ कंट्रोल नहीं देखने को मिलता एंड ऑफकोर्स दिस डजेंट हैव द पुश बटन स्टार्ट ऑप्शन, बट इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एयर कंडीशनर देखने को मिल जाता है एंड 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एज दिस इज द 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन। बाकी ऐसा कुछ इंटरफेस रहता है, अगर मैं इसके नीचे की
सॉरी म्यूजिक चल पड़ा बिकॉज दिस विल गेट कॉपीराइटेड, तो इसको अभी मैंने म्यूट कर दिया है. सो लेट मी ऑल्सो पॉज द सॉन्ग राइट हियर. एंड अभी अगर मैं इसको नीचे करके दिखाऊँ आपको, सो यहाँ पर आपको और ऑप्शन, गूगल पॉडकास्ट, रिमाइंडर, सेटिंग्स, स्मार्ट थिंग्स, वेदर एंड कस्टमाइज का ऑप्शन देखने मिल जाता है. इफ़ आई गो इन टू कस्टमाइज, तो ऐप लॉन्चर मेरे फ़ोन में ऑटोमेटिकली खुल गया है. यहाँ से मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ कि कौन सा ऐप मुझे देखना है एंड कौन सा नहीं देखना है ऑन द होम स्क्रीन, जो कि मेन स्क्रीन रहती है ऑफ एंड्रॉयड ऑटो. तो यहाँ से कस्टमाइज वाला कुछ खुल जाता है सिस्टम. एंड यहाँ पर आपको देख सकते हैं गूगल मैप्स, दिस ऐप्स नीड योर परमिशन, एंड यहाँ पर लिखा आ गया कनेक्टेड टू योर कार एंड्रॉयड ऑटो एंड कंटिन्यू ऑन योर स्क्रीन. तो अब अगर मैं आपको इसमें नॉन कॉपीराइट वाला एक सॉन्ग चला के दिखाऊं, सो लेट मी डू दैट एज वेल. तो अभी मैंने नॉन कॉपीराइट वाला सॉन्ग चला दिया है. उससे पहले मैं आप लोगों को इसका म्यूजिक सिस्टम के बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें हमें क्या देखने को मिलता है. अभी कर देते हैं हम गाने को म्यूट ही रखते हैं वैसे एंड पॉज भी कर लेते हैं. तो इसमें आपको 4 स्पीकर सिस्टम देखने को मिलता है, टू ट्वीटर्स एंड यहाँ पर आपको एक स्पीकर देखने को मिल जाता है एंड देन द ड्राइवर साइड एज वेल यू गेट अ स्पीकर एंड ट्वीटर्स आपको डोर पे इस तरफ ऊपर की तरफ को देखने को मिल जाता है एंड सेम गोज फॉर द को पैसेंजर साइड. बाकी 2 स्पीकर आपको यहाँ पर पीछे की तरफ देखने को मिल जाते हैं, एक उस तरफ भी देखने को मिल जाता है. तो ये रहता है इसका कुछ म्यूजिक सिस्टम. एंड अब इसकी ऑडियो क्वालिटी मैं आपको सुना देता हूँ. थोड़ी वॉल्यूम भी कर लेते हैं अराउंड 30 पे. And now let's play the song. थोड़ा मैं आगे भी कर लूंगा song को. इसका कुछ ऑडियो सिस्टम की क्वालिटी जो है वो कुछ ऐसी रहती है. मुझे जो इसमें डिसएडवांटेज लगता है दैट इज विद द स्पीकर सिस्टम, जो कि इसके फ्रंट वाले स्पीकर्स हैं उनकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है नो डाउट, बट जो इसके रेयर वाले स्पीकर्स हैं उसमें ऑडियो क्वालिटी इतनी खास नहीं है. मे बी बिकॉज द क्वालिटी ऑफ देम इज नॉट दैट गुड. जो कंपनी फिटेड आते हैं फ्रंट पे काफी अच्छा साउंड आता है, बट अगर आप पीछे बैठे हैं, पीछे वाले पैसेंजर हैं, तो आपको इतना अच्छा साउंड सिस्टम नहीं देखने को मिलता है फॉर द रेयर पैसेंजर्स. बाकी यहाँ पर नोटिफिकेशन अगर आई होंगी तो नोटिफिकेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इन एंड्रॉयड ऑटो या गूगल असिस्टेंट हो गया आपका, एंड म्यूजिक सेलेक्ट करने के लिए गूगल मैप्स हो गया एंड यू हैव टू टैप दिस टू गो बैक टू द होम स्क्रीन. तो ये है एवरीथिंग अबाउट द एंड्रॉयड ऑटो, जो कि वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं इन द प्री फेसलिफ्टेड वर्जन, जो कि मेरा S प्लस वेरिएंट है एंड द 2022 मॉडल ईयर के लिए. अगर आपके पास भी ये व्हीकल है ये स्पेसिफिक मॉडल ईयर की एंड इफ इट सपोर्ट्स एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल का प्ले, तो मे बी आप भी वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं. बट आई डोंट नो अबाउट द फेसलिफ्टेड वर्जन कि उसमें आपको ये देखने को मिलता है कि नहीं. सो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी. आई नो मैंने काफ़ी लेट बनाई है एज कम्पेयर विद द फर्स्ट वीडियो जो कि मैंने एंड्रॉयड ऑटो पे बनाई थी, बट आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. इफ़ यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू योर व्हीकल, अगर आप अपनी भी Hyundai Venue से अपने फ़ोन को कनेक्ट करना चाहते हैं एंड्रॉयड फ़ोन को, या अगर आपने अपना आईफोन भी कनेक्ट करना है, तो एप्पल कारप्ले वाली वीडियो जो है वो यहाँ पर राइट हैंड कॉर्नर में टॉप पे आई कार्ड में लिंक फ्लैश हो रहा होगा, उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं एंड जान सकते हैं कि इसमें आपको क्या इंटरफेस देखने को मिलता है एंड क्या क्या फीचर्स आप ईजिली एक्सेस कर सकते हैं. So I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी तो make sure to like button as well as share this video with your friends and also consider hitting the subscribe button as well as the notification bell, ताकि आप मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सके. मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.